हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतिबंध काल में शिक्षकों के किए गए स्थानांतरों की जांच की मांग राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ तथा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर प्रतिबंधित कालखंड में शिक्षकों के हुए स्थानांतरणों की जांच कराने की मांग की। महासंघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरणों पर लगी रोक 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 तक एक माह के लिए हटा दी है, जिसका स्वागत करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के बाद भी दर्जनों स्थानांतरण हुए। प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला तक के शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति पदों के विरुद्ध कार्य व्यवस्था के नाम पर स्थानांतरण होते रहे। निदेशक शिक्षा विभाग, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने एक जिले से दूसरे जिलों में स्थानांतरण व पद स्थापन कर दिए हैं। स्थानांतरण करने के विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। कई शिक्षकों को पहले आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है, फिर उनके मन माफिक स्थानों पर पद स्थापन किए गए हैं। स्थानांतरण नीति आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है, नियमों में तो ताक में रखकर रसूखदारों को लाभ पहुंचाया है। पारदर्शी नीति लाने वाली सरकार ने स्थानांतरण को तबादला उद्योग बना दिया है। प्रतिबंध कालखंड में निदेशक ने दिनांक 30 जून 2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा ब्लॉक सायला जिला जालौर से रसायन विज्ञान के व्याख्याता का स्थानांतरण कृषि विज्ञान के पद के विरुद्ध सेठ बियानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुलायनी ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास जिला जालौर में व्याख्याता जियोलॉजी का दिनांक 11 जून 2021 से समायोजन पर स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडली जिला सीकर में किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपावास ब्लॉक रायपुर जिला पाली के राजनीति विज्ञान के व्याख्याता का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिलिया ब्लॉक रिया जिला नागौर किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नालोट कुचामान सिटी नागौर में किया गया। इसी तरह के अनेकों नेक आदेश हुए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, महामंत्री राकेश शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करने की पुरजोर मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोषियों को दंडित करने की मांग की। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।